हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ है विजेंद्र पटेल सर। तो डियर, हम आपके लिए गुरु नीति 4J जो है उसका सेकंड वीडियो लेकर आए हैं आज। फर्स्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें यूनिट डायमेंशन एरर और मेजरमेंट हमने कवर किया था, और सेकंड वाले में हमने वन डायमेंशनल मोशन और रिलेटिव मोशन जो है वो कवर किया है। तो डियर, इस लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि 1D और रिलेटिव मोशन हम कंप्लीटली 100% हमारी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि कंप्लीटली हम उस पॉइंट को कवर कर सके, चैप्टर को कवर कर सके। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस भी है। तो स्टार्ट करते हैं सर। चलो सर, हाँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो अपना है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय इक्वेशन x = 3t - 4t² + t³, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड्स, एंड चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूविंग पार्टिकल है, उसकी पोजीशन गिवन है इक्वेशन से, और मेरे को इन चार स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो फर्स्ट वाले में ये बोल रहा है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2s इज 6 मीटर। तो सर, मेरे अकॉर्डिंग अपन जब इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं पोजीशन चेक करने के लिए। x जो t का फंक्शन है, तो इसमें वैल्यू t का फंक्शन है, तो t की वैल्यू पुट कर दें अपन। तो x जो अपना आ रहा है सर, दैट इज 6 माइनस में अपने पास 16 प्लस में 8, सो दिस वैल्यू इज -2। मतलब पार्टिकल जो है वो t = 2s पर -2 पर है और अपन के ऑप्शन में 6 मीटर पर है। तो पहला वाला जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो अपने आंसर चेंज हो गया पहला। चलो दूसरे की बात करें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t = 0 टू t = 4s इज 12 मीटर। कि 0 से 4 सेकंड के बीच पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 12 मीटर है। तो सर, इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इनिशियल पोजीशन चेक करेंगे। इनिशियल पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो इनिशियल पोजीशन में तो देखो सब में टाइम है, तो ये 0 हो गया, तो इनिशियल पोजीशन तो 0 होगी। 4 सेकंड पर वो जब बात कर रहा है तो x फाइनल 4 सेकंड पर वैल्यू अपने पास आ जाएगी 12 माइनस में 64 प्लस में 64। तो ये डाटा अपने पास आ गया 12 मीटर। तो इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ रहा है वो 12 मीटर आ गया, वो और वो 4 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन के भी इक्वल है। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। तो आंसर अपना आपने पूछा इनकरेक्ट पूछना है। तो थर्ड वाले में बोल रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t = 2 टू t = 4 सेकंड इज 3 मीटर पर सेकंड। कि समय अंतराल 2 से 4 सेकंड के बीच की बात कर रही है, मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी होती है x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो 4 पर तो पोजीशन 12 पता है, हां, और t = 2 पे -2 पता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया कितने का, 14 का। 14 भी x फाइनल माइनस x इनिशियल, 12 माइनस माइनस का 2, तो 14 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट वैल्यू इज 7 मीटर पर सेकंड। और अपने ऑप्शन में है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला भी गलत हो गया, मतलब अपना आंसर रहेगा थर्ड आ गया। फोर्थ वाला जो है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 2s इज 2 मीटर पर सेकंड। तो t = 2s पर मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। हां, इंस्टेंटेनियस, तो इसको अपने डिफरेंशिएट करके निकालना, डिफरेंशिएट करके निकालना होता है। तो v = dx/dt, तो ये 3 v - 8t + 3t² तो ये डाटा अपने पास जो आ रहा है, अब t = 2 रखना है, t = 2 रखना है, तो 3 - 16 प्लस में 4 × 3, दैट इज 12। दिस वैल्यू इज कमिंग एज -1 मीटर पर सेकंड, जबकि यहां पर दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ, तो अपना सही ऑप्शन हो गया। चलो सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग, बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगा बेटा कि मतलब जैसे इस क्वेश्चन में हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे आपसे, जैसे ये क्वेश्चन मेनली एडवांस में ही पूछे जाते हैं, पर हमारा जो क्वेश्चंस पिक करके हमने जो लेवल रखा है वो जेई मेन से, बस जेई मेन या जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर, एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस अपन स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस है इसका, मतलब ये नहीं है कि एडवांस का क्वेश्चन है, हमें तो ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना है, क्वेश्चन तो सिंपल है। क्यों सर? हाँ सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ द टाइम एंड विद 6 मीटर पर सेकंड फॉर द अदर हाफ द टाइम, कैलकुलेट द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द होल टाइम। तो सर, इसमें एक बात हमें बोल रहा है कि जो पहली जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है, और ये कितने चल रहा है, 1/3, ठीक है सर। फिर उसके आगे बोल रहा है कि जो आधी डिस्टेंस है हमारे पास वो
जो रिमेनिंग पार्ट है इसके बाद जो बचा तो 2/3 बच गई सर, 2/3 बच गई, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये इधर 2 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो इसको अपने लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे ये कितना हो गया s/3, ये आ गया हमारे पास 2s/3, इधर से हमें टाइम ये जो चल रहा है ये चला यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड तक और ये 6 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे जो टाइम हमें दे रखा है इक्वल टाइम दे रखा है, तो इसका सीधे अपने लोग एवरेज निकाल लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ से जो एवरेज आ जाएगा हमारे पास वो 6+2 ये कितना आ गया by 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, इसका भी हमें दे रखा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, इन दोनों को अगर अपने एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 4 मीटर, तो मतलब निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसमें हाँ, भी 4 मीटर पर सेकेंड है और इसमें भी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मतलब एक साथ अपन ने 3 चीजें कवर करने की कोशिश की कि मतलब जैसे मैं बात करता हूं ना, अपन पोजीशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ डिफरेंशिएट करते हैं, और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे, यदि वेलोसिटी से पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, और एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो तब भी इंटीग्रेट करते हैं। तो ये दोनों चीजें अपन ने इसमें साथ में कवर करने की कोशिश की है। तो वेलोसिटी जो बतलाई है पार्टिकल की वो है 5x+ पार्टिकल इज रेक्टिलिनियर, पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज एट ओरिजिन एट टाइम t = 0, वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल as v = 5x+2। तो देखो इन्होंने वेलोसिटी जो है वो इज अ फंक्शन ऑफ x का दे रखा है, तो अब इसमें जो पूछा है सर, एक तो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल, फिर पूछ रहा है वेलोसिटी, फिर पूछ रहा है एक्सीलरेशन। तो सर इस वाले में यदि अपन बात करें तो इसमें सर मतलब तीनों चीजें आ जाएंगी, बिल्कुल सर भी आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा और वैल्यू पुट करके वैल्यू पुट। तो एक तो होता है v is equals to, इन्होंने जो गिवन है वो 5x+2 दिया गया। सबसे पहले अपन पोजीशन की बात करें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी से पोजीशन की तरफ जाना है तो b = इंटीग्रेट करना है dx/dt लिखेंगे, dx/dt उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dx/5x+2 dt. dt. Let's integrate it from 0 to x, from 0 to t. क्योंकि initially particle जो है वो defined है कि particle initially origin पर है, मूल बिंदु पर है, तो मतलब initial position अपनी 0 होगी सर। तो यहाँ से भी अपन integrate करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 log 5x+2 and the limit goes from 0 to x and here this value is t. जैसे ही values put करेंगे log 5x/2 / 2 5. तो सर यहां से यदि अपन पोजीशन डिफाइन करें तो आई थिंक पहले e की पावर भेज दो, आंसर हमें निकालना है e की पावर में, तो 5x+2 + 1 e^5t, देन वी से दैट x = 2/5 e^5t - 1। बहुत सिंपल सा अपना पार्टिकल का पोजीशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पोजीशन वाले पे बात करें तो सीधा सीधा फर्स्ट वाला आंसर हो गया, हां सेकंड वाले में कह रहा है पहला आ गया, बिल्कुल सर, अब सेकंड वाले में वेलोसिटी पूछी है और वो भी t = 0 पर, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा अपने पास, तो v = dx/dt आ जाएगा, दैट इज 2/5 5e^5t और 1 तो 0 हो गया, 0 हो गया, तो 5 से 5 सही हो गया सर, ये डाटा मेरे पास बचा 2e^5t और टाइम हमें दे रखा है 0 पर, 0 पर, तो जैसे ही इसमें 0 पुट किया तो वेलोसिटी आ गई इतनी 2 मीटर पर सेकंड आ जाए, तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर है थर्ड 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है एक्सीलरेशन पूछ रहा है, एक्सीलरेशन t = 0 पर, मतलब एक्सीलरेशन चाहिए तो सीधा डिफरेंशिएट कर दे, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो a = dv/dt दैट इज 2 5e^5t दैट वैल्यू इज 10e^5t। तो यहां से यदि अपन बात करें t = 0 पर पुट्स रहा है तो 10 आ गया सर, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास है 10 मीटर पर इस वाले का, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। तो इससे अपना जो पूरा मतलब 1D वाला जो मेनली अपन देखते हैं ना, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला जो कांसेप्ट है वो एक साथ कवर हो गया कि भाई किस टाइप से मूव करना होता है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व बच्चे इसमें कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं, कहां पे इंटीग्रेशन लगाना है हमें, कहां पे डिफरेंशिएशन लगाना है, तो सिंपल सा फंडा है सर कि x से v, v से a तो डिफरेंशिएशन और वापस रिवर्स में तो इंटीग्रेशन। चलो सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकंड विद ए वेलोसिटी
of t minus 2 meter per second in a straight line where t equal to time in second its cover distance. देखो सर इसमें ना मेन बात ये जो हमें दे रखा है ना ये मोड में दे रखा है. बिल्कुल सर. तो इसको अगर अपने लोग सॉल्व करें ना तो इसको अपने लोग ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर अपने लोग इसको ग्राफ से सॉल्व करें तो हमें ये बोल रहा है ए वर्ड फ्लाई विद वेलोसिटी. तो ये बी वेलोसिटी दे रही है. बिल्कुल सर. और इधर अपन लोग टाइम बना लेते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा. बिल्कुल. ठीक है सर. और यहाँ पे अपन लोग ये लिख लेते हैं. ठीक है. वेयर t इक्वल टू टाइम. जैसे अपन इसका फंक्शन भी डिफाइन करना चाहे ना सर. हाँ. तो ये t माइनस टू है तो अपन वेलोसिटी वैसे लिख सकते हैं दैट वेलोसिटी इज 2 माइनस t व्हेन t इज लेस देन इक्वल टू 2. और ये आ जाएगा t माइनस 2 व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 2. सही है. बिल्कुल. तो अब हमारे पास ये जो टाइम आ गया हमारे पास ये कितना हो गया. ये 2 सेकंड पर जीरो होगा. ये 2 सेकंड हो गया. बिल्कुल सर. ठीक है. और ये हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी. जीरो पर 2. जीरो पे 2 आ जाएगा. और 4 पर भी 2 आएगा. तो यहां से यहां तक अपन लोग चलेंगे. इसको पहले ये सही कर लेते हैं. अब ये टाइम जो आ जाएगा ये हमारे पास 4 सेकंड आ गया. ठीक है. अब मतलब ये जो हमारे पास ये भी होगा कितना आएगा. ये भी 2 ही होगा. ये भी 2 ही होगा. अब इसने हमसे पूछा क्या है. इसमें पूछ रहा है जो जितनी डिस्टेंस है वो हमें पता करनी है. बिल्कुल सर. तो अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसका एरिया लिख लें. बिल्कुल. तो अगर मैं एरिया लिख लूं इसको एरिया मान लेता हूं मैं A1 और ये एरिया मान लेता हूं A2. ठीक है. तो इन दोनों को ऐड करना है. अब ये आता कैसे है ये अपने लोग इस तरीके से लिखते हैं कि बी जो आता है हमारे पास वो dxydt की फॉर्म में लेके चलते हैं. बिल्कुल. और dx इक्वल टू चलता है ये बी इंटू dt. तो ये तो बताएगा हमारे पास कितनी इसने दूरी ट्रेवल करी है. डिस्प्लेसमेंट बताएगा अगर ये दोनों एक साइड हो तो अपने टोटल दूरी आ जाएगी. बिल्कुल सर. अब यहां से हमारे पास ये जो है ये क्या बताएगा जो बी और टी का जो फंक्शन आ रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्या बताएगा इसकी डिस्टेंस बता देगा. बिल्कुल. तो इसका अपने लोग एरिया लिख लेते हैं. इसको अगर मैं लिखूंगा तो A1 प्लस A2 ये आ जाएगा हमारे पास. दो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे. तो ये बनेगा 1/2 × 2 + 1/2 × 2 × 2. तो ये कैंसिल हो गया. कितना आ गया 4 आ गया. 4 मीटर आ गया सर. 4 मीटर आ गया. तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रही है सर वो 4 मीटर आ गया. 4 मीटर अपने पास आ गई. तो सेकंड वाला जो इसका है आंसर सही करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है. चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात को. अगले क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोल रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. अपने को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. फर्स्ट वाले में बोल रहा है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड. बिल्कुल सही बात है सर. हां सर. कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है तात्क्षणिक वेग जो है उसका परिमाण उसके चाल के बराबर है. तो सेम इंस्टेंट पर तो ये बात सही होती है सर. सही है. तो पहला ऑप्शन जो है वो तो अपना करेक्ट है. ठीक है. फिर दूसरे की बात करें द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल. औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होता है. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है. क्योंकि जैसे अपन पार्टिकल को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड फेंका अपन ने पार्टिकल वापस आता है आ गया. तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है. जैसे यहाँ को वापस एवरेज वेलोसिटी जीरो पर एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो हो गया. पर इसमें ना सर एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा देना. यदि कोई बोले कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन टाइम इंटरवल यदि ये यहां पर मे बी पुट कर देना सर तो ये स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा. क्योंकि यदि पार्टिकल रेस्ट से शुरू करे या फिर पार्टिकल कभी भी अपनी डायरेक्शन रेक्टिलिनियर मोशन में डायरेक्शन टर्न नहीं करता है. अब मतलब वो चेंज नहीं करता. चेंज नहीं करता है रेक्टिलिनियर मोशन में. एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है. बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चल रहा है वापस घूम के नहीं आ रहा है. तो उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है. मतलब वो बोले कि ऐसा हो सकता है. हाँ तो सर ये स्टेटमेंट होगा. थर्ड वाले की बात करते हैं दैट इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन व्हिच स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है सर. क्योंकि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो का मतलब है कि पार्टिकल हमेशा किसमें रेस्ट में है. तो सर पार्टिकल रेस्ट में है तो चला ही नहीं और चला ही नहीं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी जीरो. तो एवरेज स्पीड भी कितनी होगी जीरो. ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है. अभी ये भी इनकरेक्ट है. अब चौथा स्टेटमेंट है इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो व्हाट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो. तो अब इसमें बिल्कुल सही है सर. मतलब स्टेटमेंट गलत है सर. कि वो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो मतलब पार्टिकल कभी रेस्ट में है ही नहीं.
पर वो बोल रहा है कि इंटरवल में एवरेज स्पीड जो है पार्टिकल की वो जीरो हो जाए, ये गलत है। तो एवरेज स्पीड जीरो का मतलब तो होता है कि डिस्टेंस जीरो, उसने डिस्टेंस चली नहीं है, चली नहीं है, मगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो अपना फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट हो गया। चलो बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इन 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड्स, द एवरेज एक्सीलरेशन इन दिस टाइम। तो सर अगर अपने लोग इस क्वेश्चन की बात करें ना, तो इसमें मेनली करना क्या, जैसे बच्चा ये पढ़ता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगी उसके रेस्पेक्ट में हमें इसमें रखना है, मगर इसमें चेंज इन वेलोसिटी अपन लिखेंगे कैसे, देखो इसमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो डायरेक्शन हमें दे रखी है बिल्कुल, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है ठीक है, और दूसरा भी हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन दे रखी है सर। अब बच्चा क्या करता है इसमें ईस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड तो नहीं पढ़ता, वो सोचता है कि चेंज इन वेलोसिटी तो 5-5 करके जीरो कर देता है, तो वो आंसर हो जाता है गलत, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सही से अगर इसे करें तो कैसे है, पहले तो ये पार्टिकल जैसे मान लो ये अपन लोग इधर ईस्ट लिख लेते हैं, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो अब इसमें ना सर एक चीज मैं बता रहा हूं, मेरे दिमाग में आई अभी, क्या कि कई बार है ना जैसे अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले और क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं ना, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सर, और ये मतलब एक कॉमन सी प्रॉब्लम है सर, कि जैसे आप जनरली कहीं जाते हैं तो भूल जाते हैं हम लोग कि यार मतलब दिशा भ्रम हो जाता है, मतलब प्लेस में अपने को डायरेक्शन पता ही नहीं रहती कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है। और बच्चा जब एग्जाम हॉल में बैठा होता है ना, तो वो जैसे उसमें चार्ज पार्टिकल के मोशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मेरा भी दिमाग में आया तो सोचा बता दूं बच्चों को कि हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, आप एक फिक्स डायरेक्शन चूज कर लो बेटा, जैसे लेट्स सपोज मैंने कहा ये ईस्ट है, अब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉक, अब ये ईस्ट है कि नहीं है कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे को, अभी तो ये प्रेजेंटली मेरे लिए साउथ है ना, वास्तविक रियलिटी में तो साउथ है, पर आप एक डायरेक्शन फिक्स कर लो कि चलो ये ईस्ट है, अब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ नॉर्थ आ जाएगा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ वेस्ट आ जाएगा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ साउथ आ जाएगा, आप अपने हिसाब से डायरेक्शन डिफाइन कर लो, उन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ कभी नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही ये जो डायरेक्शन है आप याद करके देखो बेटा, आप जहां पे रहते हो वहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इससे रोटेट करोगे तो नॉर्थ आएगा और आपके आंसर भी सही आएंगे। चलो सर करते हैं कंटिन्यू। इसमें सर एक बात और भी हम लोग बता सकते हैं, अगर जैसे मान लो कोई प्लेन पेपर है ना, तो अपवर्ड साइड में नॉर्थ ही, वो तो लेते ही हैं, ये तो अपने बच्चों को ध्यान रहता ही है। तो अब ये बोला कितना बोला हमें वेलोसिटी इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो अगर मैं इसको बी इनिशियल इधर लिख लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 आई कैप, ठीक है सर। अब दूसरा बोला है कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कितना हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड, तो ये हमारे पास बी फाइनल आ गया, ये कितना हो जाएगा वेक्टर के साथ 5j हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो अगर मैं डेल्टा बी लिखूं तो ये लिखा जाएगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो ये लिखा जाएगा 5j माइनस 5i, बिल्कुल सही बात, ठीक है सर। अब हमसे इसमें बोल रहा है देखो इसमें अब हमें डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है, तो हम लोग एक्सीलरेशन लिख लेते हैं, अगर एक्सीलरेशन अगर मैं लिखूं तो ए जो लिखा जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बनेगा 5j 5i डिवाइड बाय टाइम कितना हमारे पास दे रखा है 10 सेकंड 10, तो इसको अगर अपने लोग लिखें तो ये बनेगा j माइनस i डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल सर। अब इसमें हमसे बोल क्या रहा है, दो चीजें पूछी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बिल्कुल सर। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये तो सिंपल सा आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 बनेगा, मतलब 1 बाई रूट टू आ गया, ये तो हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन अब इसमें आप जब देखोगे ना तो जे जा रहा है किसमें, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, और आई आ रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो अगर इसको बनाए तो इधर चलता है जे, इधर आता है आई, जे हमारा पॉजिटिव लेना है हमें और आई नेगेटिव, आई नेगेटिव लेना है, तो ये इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल ठीक है, एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वल है, हाँ, तो ये एंगल, ये वाला जो कंपोनेंट है ये अपने पास 1/2 है और ये वाला जो कंपोनेंट ये -1/2 है, इधर वाला कंपोनेंट 1/2 है, 1/2 है, एंगल की तो आप बात करोगे तो 45 डिग्री हो गया, तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो डायरेक्शन होगी सर कौन सी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और मैग्नीट्यूड आपने निकाल रखा है 1/2, तो यदि अपन इसमें बात करें तो करेक्ट आंसर जो अपना जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में थर्ड वाला हो गया सर, तो आंसर हो गया अपना थर्ड सही। चलो ठीक सर आगे बढ़ाते हैं बात को।
6 के बाद अगला क्वेश्चन जो है वो 7 में बोल रहा है दैट अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन टिल द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 50 मीटर पर सेकंड. एट दैट इंस्टेंट द एक्सीलरेशन इज सडनली रिवर्स्ड. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब ये कुछ ऐसे बोल रहा है सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे. इसमें अपन एक मोशन अंडर ग्रेविटी का भी एक कंसेप्ट लगाएंगे. वैसे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का कंसेप्ट होता है वो कि आप किसी पार्टिकल को जैसे 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो उसी पॉइंट से वापस क्रॉस करते टाइम उसकी वेलोसिटी सेम रहती है. तो ये बोल क्या रहा है कि यहां पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है 10, यहां तक एक्सीलरेट हुआ मान लो एस डिस्टेंस कवर, ठीक है, तो यहां तो 10 है और यहां वेलोसिटी है 50. अब उसके बाद रिवर्स में एक्सीलरेशन कर दिया. एक्सीलरेशन जो है एट दैट इंस्टेंट द एक्सीलरेशन इज सडनली रिवर्स्ड. रिवर्स कर रहा है इसका मतलब पहले एक्सीलरेशन प्लस ए था तो अब है माइनस ए. तो पार्टिकल यहां से जाकर वापस जब इस वाले पॉइंट से लौट रहा होगा ना सर, तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड. और यहां पे जो अब एक्सीलरेशन रिवर्स हो गया तो अब ये जो मोशन है ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा ना कि रिटार्डेड. अब मेरे को वापस जब इनिशियल पॉइंट से क्रॉस कर रहा है ना पार्टिकल, तब उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाऊंगा सर मैं इसमें कि भाई v square इक्वल टू u square प्लस 2as. पहले इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं. जब 10 से 50 गया था तो ये तो आया 2500 आ जाएगा. दिस वैल्यू इज 100 एंड दिस इज 2as. मतलब 2as जो मेरा आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग इज 2400. अब जब ये यहां से यहां पहुंच रहा है तब भी हमें AOS चाहिए, वही चाहिए क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी S है. तो अब लेकिन इनिशियल वेलोसिटी है 50. तो v final square is equals to 50 square, that is 2500 plus में 2AS. तो 2AS कितना है? 2400. तो ये डाटा मेरे पास आ गया 4900 is equals to v final square. तो v final जो मेरा आ रहा है इस केस में, that is 70 meter per second. तो ये अपना v final जो है वो 70 मीटर पर सेकंड आ गया. तो मैं करेक्ट आंसर की यदि बात करता हूं इस केस में तो फोर्थ जो है वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा. इसमें सर ये आपने बताने की कोशिश करी, मतलब ये इधर से आ रहा तो यहां पे जो एक्सीलरेशन है यहां से ये रिवर्स चल रहा है यहां से लगा तो यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा. बिल्कुल सर करेगा क्योंकि ये रिटार्डेशन लगेगा तो यहां पे रुकेगा तो है और रुकने के बाद फिर ये वापस आएगा. मतलब ये अगर इस वाले आपको ऐसे बना दो ग्रेविटी के लिए तो वही सिचुएशन हो जाएगी. बिल्कुल सर सेम सिचुएशन हो जाएगी ना. बिल्कुल. चलो बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं. सेवंथ के बाद अगला क्वेश्चन जो अपना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 ये बोला था वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर. तो बोला एक सरल रेखा में गति करते कण का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित किया गया है. ठीक है. तो अच्छा सर इसमें मल्टीपल करेक्ट भी क्वेश्चन. बिल्कुल सर. ठीक है. तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक-एक चेक करते हैं. तो ये बोला था पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब कण का त्वरण नहीं आता. तो जैसे ये जो अगर अपन लोग बात करते हैं ये तो सर स्लोप तो चेंज हो ही नहीं रहा है. बिल्कुल सर. तो मतलब अगर मैं ए लिखता हूं ये dv/dt डीटी लिखा जाता है या ये इसको मैं लिख दूं ये स्लोप है, स्लोप बी और टी कर्व का. ठीक है सही है. मतलब अगर स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब एक्सीलरेशन भी चेंज नहीं होगा. बिल्कुल. तो मतलब पहला वाला तो स्टेटमेंट अपना सही है. बिल्कुल सही है सर. पहला स्टेटमेंट सही है. एक्सीलरेशन केवल वीटी ग्राफ का स्लोप होता है. हाँ स्लोप कॉन्स्टेंट था, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट हो गया. अब ये बोला है द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड. तो ये बोलता है कि पार्टिकल कभी भी वापस नहीं मुड़ता है. तो देखो यहां तक हम लोग बात करते हैं यहां पे वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, इस वाले पॉइंट तक पॉजिटिव है और फिर इधर आके क्या हो जा रही है नेगेटिव. तो मतलब यहां पे जब पॉजिटिव, जैसे अगर मान लो मैं पार्टिकल ऐसे चला इधर पॉजिटिव माना है तो नेगेटिव के लिए इसको रिवर्स आना पड़ेगा. बिल्कुल आना पड़ेगा. तो मतलब यहाँ पे टर्न हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है सर. ठीक है. तो कण कभी वापस नहीं मुड़ता है तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया. बिल्कुल. तो ये तो अपना गलत हो गया. अब ये क्या बोल रहा है द पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट. तो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो कण का विस्थापन है ये कितना जीरो है शून्य है. तो अगर सर अपने बात करें ना जैसे विस्थापन अभी आप लोगों ने वो इंटीग्रेशन वाला बताया था, जैसे अगर बी अगर मैं लिखता हूं तो आपने बोला था ये dx/dt लिखेंगे. बिल्कुल. और जो dx आएगा ये b/dt लिखेंगे. ये क्या बताएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट. और ये अगर ये जो है बी और टी के बीच का एरिया है अगर मैं इसको लिख लूं ये एरिया हो जाएगा हमारे पास. बिल्कुल सर. एरिया अंडर बीटी का. एरिया अंडर बीटी का. तो अब अपने लोग अगर बात करें अब ये टोटल बोल रहा है इसमें ये तो बोला नहीं पर्टिकुलर स्टेंट तक,
तो अगर मैं ये एरिया ए वन मान लू और यहां तक की बात करूं, यहां तक चल रहा है ये बिल्कुल ए टू, तो ये साफ साफ ग्राफ से दिख रहा है कि ए वन ए टू के बराबर नहीं है। नहीं है। तो जब ए वन ए टू के बराबर नहीं है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी जीरो नहीं होगा। मतलब इसको अगर अपने लोग सही से लिखे, यहाँ पे जो एरिया लिखा जाएगा वो ए वन नॉट इक्वल टू ए टू लिख सकते हैं ए टू, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब ये क्या बोला है, द एवरेज स्पीड इन इंटरवल 0 टू 10 सेकंड इन इज द सेम एज एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 टू 20 सेकंड। तो अब देखो सर, इसमें अपने लोगों ने यहां से ये 0 से 10 मान लिया था, अब इसमें जो हमें बात इसमें बोली है वो 10 से 20 सेकंड तक बोला है, तो यहां से भी अपने लोग लिख सकते हैं। अब मान लो अगर मैं इसको 10 से 20 तो यही होगा, बिल्कुल होगा, तो जो एरिया ये आएगा वही एरिया ये आएगा। इसको मैं अगर ए3 लिख दूं तो ए1 और ए3 बराबर आ रहे हैं, ए1 और ए3 बराबर आ रहे हैं, तो यहां से हमारे पास बन गया ए वन जो होगा वो ए थ्री के इक्वल है, ए थ्री के इक्वल है। अब इसने हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड 0 से 10 तो मतलब जो यहाँ पे जितना भी इन्हें डिस्टेंस ली है उतना ही यहाँ पे है, मतलब 0 से 10 और 10 से 20 की डिस्टेंस सेम है और टाइम भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो स्पीड जो होगी एवरेज स्पीड वो सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो क्या आएगी सेम, तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो वो भी अपना करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात को अपन, तो ठीक सर अपन अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा था कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एवर फॉर अ टाइम इंटरवल t1 ड्यूरिंग व्हिच इट कवर्स अ डिस्टेंस s1, मतलब पहले एक्सीलरेटेड मोशन है, a1 एक्सीलरेशन है t1 टाइम तक कर रहा है और s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और अगले टाइम में t2 टाइम में इन नेक्स्ट टाइम इंटरवल t2 कार हैज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन a2 एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s2 इन टाइम t2, मतलब अगले में रिटार्डेड मोशन है। अच्छा पहले एक्सीलरेशन है फिर रिटार्डेशन है, मतलब फिर वो रुक जाती है, रुक जाती है। तो वो कह रहा है कि एक्सीलरेटेड में तो डिस्टेंस s1 है और रिटार्डेड में डिस्टेंस जो है वो s2 है, और कुछ ऑप्शंस दिए अपने पास कि पहला ऑप्शन तो है s1 by s2 = a2 by a1, दूसरे में a1 by a2 पूछा है, तीसरे में एवरेज स्पीड पूछी है, और चौथे में टोटल डिस्टेंस के साथ मैक्सिमम स्पीड का कुछ रिलेशन पूछा है। ये मल्टीपल करेक्टर सर इसमें, बिल्कुल सर मल्टीपल करेक्टर पड़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ना सर ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे मतलब एक दो चीजें अपन ने बढ़ा के लिए जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपन शुरू करते हैं सर। सबसे पहले एक्सीलरेटेड मोशन की बात करें, यदि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करता हूं ना, तो एक्सीलरेटेड मोशन वेलोसिटी इंक्रीज देन रिटार्डेड मोशन वेलोसिटी डिक्रीज, उसने ये बोल रखा है और उसका टाइम दे रखा है इधर t1, इस वाले में जो टाइम है वो t1 है, वो t1 है, और इसका टाइम जो है वो t2 है, t2 है। तो जो रिटार्डेड मोशन स्टार्ट होगा ना जिस टाइम पर एक्सीलरेटेड खत्म होकर रिटार्डेड शुरू हो रहा है, उस टाइम पर पार्टिकल के पास इसका एक्सेलरेशन हमें मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सर इसका डेटा, तो पहले में इसमें एक्सेलरेशन बता रखा है इसने a1 और रिटार्डेशन बता रखा है a2, तो मतलब तो जैसे मैं बात करूं कि मान लो पार्टिकल यहां से यहां तक गया सर, इनिशियल से ए पॉइंट तक तो एक्सीलरेटेड मोशन है और ए से एफ पॉइंट तक रिटार्डेड मोशन, तो ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी। तो अपन आई से ए की यदि बात करना चाहें तो आई से ए वाले केस में, अच्छा इसने आई से ए वाले में अपन एक्सीलरेटेड की बात करते हैं, इसमें टाइम लगा t1, हां a1 t1 का इनिशियल वेलोसिटी 0, सॉरी v = u + at वाला यूज करना चाह रहा हूं मैं, इस पर वेलोसिटी है Vmax, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन a1 है, टाइम ले रहा है t1, तो पहला तो Vmax = a1 t1 मेरे पास आ गया, इक्वेशन आ गई, मतलब इस वाले पॉइंट की वैल्यू जो है Vmax जो है वो a1 t1 है, वो a1 t1 है। दूसरा ये यहां से रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, तो यदि मैं a से f वाले मोशन की बात करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो है Vmax, रिटार्डेशन है a2 t2 टाइम तक और फाइनल वेलोसिटी f पर रेस्ट में, तो मेरा Vmax जो है ये आ गया a2 t2, वो a2 t2 भी आ रहा है, तो मतलब ये वाला डाटा मेरा a2 t2 भी है। अब यदि अपन ऑप्शंस के साथ बात करें, एक तो सेकंड वाला ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये साथ ये कि भाई a1 t1 a2 t2 के इक्वल है, तो a1 अपॉन a1 t1 = a2 t2 देन a1 अपॉन a2 Equal to T2 upon T1. Equal to T2 upon T1. तो एक तो जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन ना सही है। सेकंड करेक्ट है। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं। अब पहले वाले में बात करें तो एक्सीलरेटेड मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कर रहा है S1.
S1, तो इसका अपना एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका जो एरिया होगा S1 ये आ जाएगा हाफ हाफ A1 T1 स्क्वायर। हाँ, और रिटार्डेड मोशन में इस वाले का एरिया हाफ A2 T2 स्क्वायर हो जाएगा। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा लिखना चाहे तो, जैसे S1 की वैल्यू जो है सर, मैं उसको ये लिख दूं हाफ V max into T1, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो V max है, दोनों में कॉमन आ जाएगा ना सर, तो S1 upon S2 की रेशियो लेना अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां से मैं S1 upon S2 की बात करूं, that value is T1 upon, अब ये जो मेरा T1 upon T2 है, ये A2 upon A1 के इक्वल है, इसका मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, इसका पहला ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट। तीसरे वाले में कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी इज हाफ ए वन टी वन इज इक्वल टू हाफ ए टू टी टू। एवरेज स्पीड की यदि मैं बात करता हूं तो वो होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो दिस प्लस दिस, मतलब इसका एरिया जो है हमारे पास, बिल्कुल सर, ये जो एरिया ए वन और ए टू, ये जो एस वन एस टू जो हमने लिखा है, उसको ऐड करो। मैं यदि इस टाइम को जैसे टी मान लू, टी वन प्लस टी टू, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास हो गया हाफ वी मैक्स इनटू वीटी एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये मेरे पास आ गया वी मैक्स बाय टू। अब अपना वी मैक्स जो है वो एवन टी वन के इक्वल भी है और ए टू डी टू के इक्वल भी है, तो एवरेज जो आ रहा है मेरे पास स्पीड वो हाफ एवन टी वन इक्वल टू हाफ ए टू टी टू आ गया। तो मतलब सर ये भी अपना ऑप्शन सही है, थर्ड थर्ड भी अपना सही है। हाँ, अब अपन फोर्थ वाले ऑप्शन पे बात करें सर। फोर्थ वाले में कह रहा है दैट इफ एस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार द मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड बाय इट इज 2s a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2 इसका हाफ। तो टोटल डिस्टेंस की यदि बात करते हैं सर, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास ही आ गई हाफ v max into t। हां, ये टोटल डिस्टेंस है। यदि मैं एनी हाउ फिर वो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस दे रखी है, v max फाइंड करना है, v max फाइंड करना है, तो v max की जो वैल्यू मेरे पास आती है वो वाली वैल्यू आती है अपॉन t 2s अपॉन t आ गया, और जो s है ये तो ये एरिया हो जाएगा इसका। यदि मैं ऑप्शन देखता हूं ना सर, तो इसमें a1 और a2 है, मतलब मेरे को एनी हाउ t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ a1 a2 एंड s, ठीक है, मैक्सिमम अलाउएबल जो मेरे पास वेरिएबल्स होंगे वो ये होंगे। तो सर एक बार इसको दोबारा से मैं देख लूंगा इसके बाद, तो सर अपन इसमें एक तो ये डाटा यूज करते हैं कि ए वन टी वन जो है वो ए टू टी टू के इक्वल है, और एक टी वन बाई टी टू जो है, लेट्स सपोज टोटल टाइम टी वन बाई टी टू, तो ए टू अपॉन ए वन हो गया, और टी वन प्लस टी टू लेट्स सपोज टोटल टाइम टी है, मेरे को ये टी तो कैलकुलेट करना है, टू एस अपॉन टी। हाँ, तो सर यहां से T1 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास A2 दैट टाइम्स A2 अपॉन A1 प्लस A2 इनटू T, T2 जो मेरे पास आ रहा है दैट इज A1 T अपॉन A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस का यदि मैं फिर फॉर्मूले की बात करूं, तो ये डाटा आता है हाफ V max इनटू T, ठीक है, इनटू T। अच्छा, दूसरा अब मैं यदि Vmax की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, तो Vmax आ जाएगा हमारे पास या तो A1 T1 रख ले, हाँ ठीक है, या A2 T2 रख ले, ठीक, जैसे T1 की वैल्यू पुट करेंगे ये डाटा आएगा A1 A2 T अपॉन A1 प्लस A2, ठीक है। अब इसको तो सर इसको जैसे इसमें पुट करेंगे तो S मेरे पास बन गया हाफ A1 A2 T स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2, मतलब टाइम T जो आ रहा है वो आ गया 2s a1 plus a2 divided by a1 a2 अब हमें जो निकालना था vmax, जिसका डाटा अपने पास 2s upon t के इक्वल था, हाँ। यदि मैं ये t वाली वैल्यू यहां पुट करता हूं तो vmax जो मेरा आ रहा है दैट इज 2s upon में 2s साथ में a1 plus a2 और ऊपर अंडर रूट में a1 a2, तो ये डाटा अपने पास आ गया सर 2s 2s a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, मतलब इसके लिए चौथा भी आंसर, चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन इसके सही है, फोर्थ वाला जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो इतनी आ रही है इसमें सर। ये वाला जो है ना, ये वाला ये vmax की कैलकुलेशन और ये जो टोटल डिस्टेंस की कैलकुलेशन है, ये दोनों ही चीजें जेईई के पेपर में पूछी हुई है। अच्छा,
तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, मतलब चारों चीजें कवर हो गई, तो हमने सारे कंसेप्ट इसमें से रिवाइज कर लिए। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं सर, अपना मोटिव भी तो यही है ना सर कि एटलीस्ट जो बच्चा देख रहा है उस बच्चे का चैप्टर 100% रिवाइज हो जाए। हाँ, मतलब इसमें कुछ ट्रिक भी सीख जाए, ट्रिक भी सीख जाए। तो ये वाली चीज याद रखने की भी है कि A1 T1 A2 T2 के इक्वल होता है, फिर T1 T2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, Vmax कितना आता है, S कितना आता है। बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हुए होते हैं। और ये वाला जो तरीका सर आपने बताया ना, T1 जैसे रेशियो दिया हुआ है, तो बिल्कुल T1 और T2 का सम भी दिया हुआ है, उसको कैसे कैलकुलेट, ये कई जगह लगता है, ये रेशियो वाला कांसेप्ट कई जगह यूज, कई जगह जैसे कैपेसिटेंस में भी खूब यूज होगा, बिल्कुल बहुत सारी जगह यूज होगा सर। तो ये बच्चे अगर इसको सही से कर ले तो कैपेसिटेंस में आधे क्वेश्चन पे सीधे निकल जाएंगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। बोला है गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। देखो सर, इसको अपने हमें अभी ये ग्राफ जो दे रखा ना वो बी और एक्स के बीच में दे रखा है, बिल्कुल, और हमें लाइक लेके आना इसको ए और एक्स के बीच में। तो अपने लोग एक काम करते हैं, जैसे अगर मैं ए और एक्स की बात करूं तो ये इस फॉर्म में लिखा जाता है बी डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स, बिल्कुल सर। मतलब अगर मुझे बी किसी तरीके से फंक्शन मिल जाए एक्स में, तो उसको अपने डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा। तो अगर देखो अब यहाँ से ये बी से एक्स तक का जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर कैसे लिखें, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें, या मतलब सीधा सीधा जैसे वी अपॉन वी नॉट प्लस एक्स अपॉन एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। हाँ, की परेशान होने की, क्योंकि इंटरसेप्ट दे ही रखे हैं वो, इसीलिए दे रखे हैं, ठीक है। तो इससे अब हमने लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर बी को जो फंक्शन लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास बी नॉट वन माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट, एक्स नॉट। अगर इसको और अपने लोग सिंप्लीफाई करें तो बी इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास बी नॉट, बी नॉट इसको इधर ले आते हैं माइनस का एक्स प्लस एक्स नॉट, और अपने को इसमें डिफरेंशिएशन करना है सर। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग अपन इसको ऐसे लिखे ना, जैसे v इज इक्वल टू v नॉट माइनस में v नॉट x अपॉन x नॉट। हाँ, ये भी है, तो एक बेटर फॉर्म होगा, क्योंकि dv / dx जो है वो सीधा दिखेगा बच्चे को। हाँ, ये v नॉट तो तुम कर दो जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा और ये सीधा माइनस v नॉट / x नॉट बच गया, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लो dv हमें लिख लेना है, पहले तो dv / dx लिख लेते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया, ये कितना बचेगा हमारे पास माइनस का v नॉट / x नॉट, v नॉट / x नॉट, ये हमें आ गया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, अब b की वैल्यू पुट है, पता ही हमें वैल्यू अपने पास है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो a इक्वल टू बनेगा b आ जाएगा b नॉट माइनस b नॉट x अपॉन x नॉट इनटू माइनस का b नॉट अपॉन x नॉट अपॉन x नॉट। ये भी सर एक लाइन ही आ रही, बिल्कुल सर स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो a जो बनेगा ये आ जाएगा माइनस का b नॉट स्क्वायर b नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट, x नॉट प्लस प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर इनटू x, ये आएगा हमारे पास। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा ग्राफ सेट होगा। सिंपल से तरीके से चूज हो सकता है सर ये, तो कि a और x जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है और जिसकी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये अपना पहला इंटरसेप्ट नेगेटिव एक तो इसमें है और एक इसमें, हां, बट इसमें स्लोप नेगेटिव है और इसमें स्लोप पॉजिटिव है, तो फर्स्ट जो है वो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जैसे इसमें प्रोफेसर सर ये जैसे ये तो बच्चों ने अपने अगर याद है तो अपने लगा सकते हैं, या इसको अपने लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं, एक पॉइंट ये मान लें और एक पॉइंट ये मान लें। जैसे अगर इसको मैं लिख दूं तो ये जीरो कॉमा बी टू हो जाएगा और ये एक्स टू कॉमा जीरो हो जाएगा, एक्स नॉट कॉमा जीरो हो जाएगा। फिर इसमें दो पॉइंट से जो लाइन की वो लगा के वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक सर आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी यू, इट पासस अ पॉइंट ए हाइट एच अबाउट द ग्राउंड एट टाइम टी1 व्हाइल गोइंग अप and time t2 while falling down, which of the following relation are correct? कि वस्तु को u वेग से अपन ने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर भेजा, जब यहाँ से क्रॉस कर रही है तो t1 टाइम पर और वापस यहाँ से जब क्रॉस कर रही है तो t2 हो गया, t2 टाइम पर पहुंच रही है, मतलब जाते टाइम टाइम t1 है और उसी पॉइंट से वापस आते टाइम टाइम जो है वो t2 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि y is equals to ut minus half gt square पर लगाते हैं सर, और वो कह रहा है कि यदि मैं इस इक्वेशन की बात करूं उस पॉइंट की जो हाइट है ग्राउंड से वो h है, h ये बोल रखा है, then h is equals to ut minus half gt square, then we can write 2h upon g 2h upon g 2u by z into t minus में t square, therefore t square minus 2u by z into t minus plus में 2h upon g is equals to 0।
अब ये बहुत सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है T1 और दूसरा सॉल्यूशन है T2। तो यदि मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, लेट्स सपोज ax2 + bx + c = 0, तो इसके जो दो सॉल्यूशन है उन दोनों सॉल्यूशंस का समेशन जो होता है -b/a होता है और दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो c/a होता है। तो जी सर, दोनों का समेशन जो है वो t1 + t2 आ जाएगा अपने में, तो माइनस का माइनस में 2u/g / 1, और दोनों का प्रोडक्ट जो है t1 t2 वो आता है हमारे पास 2h/g c/a, तो 2h/g आ गया, तो c तो 2h है, 2h/g है और a1 है, तो इसका मतलब दो आंसर सही है, वन और थर्ड इसके करेक्ट है। अच्छा, कई बार जो है ना इसी क्वेश्चन को इसके प्लेस पर वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करवा लेते हैं कि क्रॉस करते टाइम टाइम t1 है, वापस आते टाइम टाइम t2 है, तो मतलब इसका अगर t1 + t2 दिया हुआ है तो ये t हो जाएगा, बिल्कुल t हो जाएगा, तो यही फार्मूला अपन लोग पढ़ाते हैं, बिल्कुल यही पढ़ाते हैं सर। तो अच्छे से सर, इसमें अपने लोग जैसे बच्चों को कभी ये ध्यान ना रहे, जैसे मान लो जैसे आपने ये लिख दिया इसके रूट्स का हमें सम याद है और उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हमें याद है, तो एक तरीका तो ये भी है, और दूसरा तरीका अपने लोग वो लगा सकते हैं -b + -b² - 4ac/2, बिल्कुल लगा सकते हैं, उससे आ जाएगा, दोनों सेम ही आंसर आएगा, बिल्कुल। चलो सर, अपन अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला दैट टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 240 मीटर हाई विद इनिशियल स्पीड 10 m/s 40 m/s रेस्पेक्टिवली, मतलब दोनों को सेम प्लेस से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, एक को 10 से और एक को 40 m/s। Which of the following best represent the time variation of relative position of the second stone with respect to the first? मतलब second वाले की position बतलानी है first वाले के respect में। Okay sir, तो एक तो इन्होंने बोल रखा है कि भाई g की value जो है वो 10 लेनी है, diagrams schematically drawn नहीं, scale के according drawn नहीं है, schematically है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैं बात करूं कि first वाले particle को आपने यहां से throw किया 10 m/s से, और second वाले particle को इसी point से thrown किया है 40 m/s। तो भाई जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 240, जब वो ग्राउंड पर हिट करेगा तो ये डाटा आएगा अपने पास कितना, 0 0 हो जाएगा। तो सर अपन यहां से पुट कर सकते हैं दैट 0 - 240 = फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए तो 10t - 5t² और सेकंड वाले पार्टिकल के लिए 2 - 240 = 40t - 5t² तो यदि अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका तो आएगा 8 सेकंड और इसका आएगा मेरे पास 12 सेकंड, मतलब 8 सेकंड के बाद फर्स्ट वाले का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया। मतलब पहले वाले तो टकरा जाएगा और दूसरा वाला मोशन में रहेगा। तो सेकंड, यदि मैं 8 सेकंड से पहले की बात करता हूं, तो अपन इस केस को दो चीजों में डिवाइड कर लेते, टाइम लेस देन 8 सेकंड एंड टाइम ग्रेटर देन 8 सेकंड। तो 0 टू 8 में जब अपन बात करेंगे तो y relative जो होगा, that is y2 - y1 और y2 तो अपने पास होगा पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं अपन, तो y - 240 = uy (t - ½gt²। पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले पार्टिकल के लिए तो ये आ जाएगा y1 = 240 + 10t - 5t² और दूसरे वाले पार्टिकल के लिए मेरे पास आ गया 240 + 40t - 5t², मतलब मेरे को सीधा सीधा y2 - y1 देखना है, तो मैं ये कह सकता हूं साहब y2 - y1 जो है वो मेरे पास 30t के वाला है, 30t, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और कब तक बनेगी, 8 सेकंड तक बनेगी। तो अच्छा, अब इसमें यदि मैं 8 सेकंड पे किस वाले पार्टिकल की पोजीशन की बात करता हूं ना सर, तो ये वाला पार्टिकल 4 सेकंड में ऊपर जाएगा और अगले 4 सेकंड में नीचे आएगा, मतलब ये वाला पार्टिकल तो 8 सेकंड पर यहां होगा और दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो 8 सेकंड पर ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। तो यदि अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं y2 - y1, शुरू के 8 सेकंड में तो ग्राफ आता ऐसा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आएगा 8 सेकंड पर, क्लियर है, और
8 पर बात करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा 240 ठीक है। अब 8 से 12 में जब बात करूंगा तो 8 से 12 में y1 का 0 y1 0 का मतलब सेकंड पार्टिकल चल रहा है सर, y2 इस इक्वेशन से वेरी करेगा। अब सर यदि अपन इसमें ग्राफ देखते हैं ना तो अपने पास 8 से 12 में स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं आएगा क्योंकि ये पैराबोला बन रहा है, पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला जो है वो इस टाइप का बन रहा है कि इस टाइप का बन रहा है, तो अपन जब डिफाइन करते हैं तो इस टाइप का जो पैराबोला होता ना सर, इस वाले पैराबोला का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इस टाइप का जो पैराबोला बनता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी होता है नेगेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। हम यदि सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, वैसे फर्स्ट भी नेगेटिव आएगा, dy2/dt दैट वैल्यू इज 40 माइनस में 10t, और आप t ग्रेटर देन 8 पर बात कर रहे हो तो डाटा नेगेटिव ही, हाँ नेगेटिव है। और सेकंड डेरिवेटिव जब अपन इसकी बात करेंगे तो d2y/dt² दैट वैल्यू बिकम्स माइनस 10 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव और फर्स्ट, क्यों बच्चे इस जगह जाके बहुत कंफ्यूज हुए कि सर अब चूज कैसे करें कि ग्राफ ये वाला कि ये वाला। तो इस बात को अपन क्लास में एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के नेचर कैसे देखे जाते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। तो ये वाला t = 12 के करस्पॉन्डिंग बात करें पहला, तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका वो करेक्ट है सर। वैसे सर इसमें ये जो आपने जैसे बताया ना, ये बिल्कुल यहाँ पे डेरिवेटिव, जैसे ये बच्चे को जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये मैथ वाले बच्चे तो डायरेक्ट कर सकते क्योंकि इसमें जो t² है वो नेगेटिव में आ गया, तो मतलब पैराबोला कैसे होगा इस साइड पर। ये वाला जो कांसेप्ट है ना सर, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं सर कि सर जैसे मान लो किसी पार्टिकल को अपन ने 10 से प्रोजेक्ट किया तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंपल सा कांसेप्ट होता है कि आप ये वाला यूज करोगे, ये ठीक है, क्योंकि बच्चे ऐसे कैलकुलेट करते हैं कई बार कि 10 से फेंका फिर यहां पर 10 से आने में 2 सेकंड लगे, फिर 240 मीटर की हाइट से वापस आने में टाइम कितना लगा। उससे बढ़िया है एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, आप उससे कैलकुलेट कर लो। चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात, क्वेश्चन नंबर 13 है। A passenger is at a distance x from bus when the bus begins to move with a constant acceleration a. What is the minimum velocity with which the passenger should run towards the bus so as to reach it? मतलब यहाँ पर एक बंदा है, एक person है और एक bus है। Bus जो है, चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते, नहीं लगे bus type तो है। Bus a acceleration से accelerate हो रही है और बंदा जो है वो bus से x distance पीछे है, इसकी ये मिनिमम वेलोसिटी जानना चाह रहा है। मिनिमम वेलोसिटी इसको सर अपने लोग अगर करें रिलेटिव सॉल्व कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो अगर मान ले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अपने u मान ले, पर है ना सर इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे क्या कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर रिलेटिव में फिर डाटा पॉजिटिव पुट करें, हाँ, नेगेटिव पुट करें। तो इसका एक बेटर तरीका तो ये होता है कि जैसे मान लो आपने कहा t टाइम में बस जो है वो कुछ डिस्टेंस चल रही है, वो डिस्टेंस चल रही है ½t² ठीक है, और उतने ही टाइम में इसको जितनी डिस्टेंस ट्रेवल पर्सन को चलनी है यूटी, यूटी और ये इसके तो ये जो यूटी है दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस ½t² क्यों सर सही बात है। हाँ। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए कि इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन चाहिए, बहुत सिंपल सा फंडा है सर। तो यहां से अपने पास आया ½ माइनस में यूटी प्लस x = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक आ गई। यदि बंदा बस को पकड़ता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा मतलब b² - 4ac > 0 होगा। सही बात है, इक्वल टू 0 बोल दो आप चाहे एक बार ही पकड़ता है तो b² - 4ac > 0 तो b तो अपने पास u है, तो u² - 4 a की वैल्यू a/2 और c की वैल्यू x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने पास होना चाहिए। मतलब u स्क्वायर जो है मेरा वो ग्रेटर देन, ये वाला जो कांसेप्ट है ना सर, बच्चा यहां जाके बहुत कंफ्यूज होता है कि सर अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो एक सिंपल सा कांसेप्ट है कि भाई तुम्हें पकड़वाना है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन होगा ही, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो तभी मिलेगा साहब जब अपना b² - 4ac ग्रेटर देन पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 होगा। तो u जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू √2ax होना चाहिए सर, बोले तो मिनिमम के केस में तो √2ax और इससे ज्यादा होगा तो पकड़ेगा, पकड़ेगा ही पकड़ेगा, इससे कम होगा तो नहीं पकड़ेगा, तो नहीं पकड़ेगा, तो आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा सर। चलो सर आगे बढ़ाएं बात को, हाँ सर बढ़ाएं सर, क्वेश्चन नंबर 14 अपना जो है, क्वेश्चन नंबर 14 है,
ये बोला है टू ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड 37.5 किलोमीटर पर आवर आर अप्रोचिंग ईच अदर ऑन द सेम स्ट्रेट ट्रैक ए बर्ड दैट कैन फ्लाई एट 60 किलोमीटर पर आवर फ्लाइज ऑफ फ्रॉम वन ट्रेन व्हेन दे आर 90 किलोमीटर अपार्ट एंड हेड्स डायरेक्टली फॉर अदर ट्रेन ऑन रीचिंग द अदर ट्रेन इट्स फ्लाई बैक टू द फर्स्ट एंड सो फोर्थ फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्ड. तो सर इसको अपने लोग अगर शॉर्टकट तरीके से इसको हम लोग करेंगे ये है ना सर मतलब वैसे इससे रिलेटेड दो चीजें पूछी जाती है कि एक तो वो कब कितने टाइम तक चलेगा कितने टाइम तक चलेगा कितनी डिस्टेंस चलेगा. क्वेश्चन बहुत आसान सा है बच्चे इसको करते हैं बच्चे बहुत सीरीज लगाने की कोशिश करते हैं कि पहली ट्रेन इतना आगे दूसरी इतना आगे तीसरी इतना आगे चौथी इतना आगे. तो आप बताओ सर बहुत बढ़िया सा एक कांसेप्ट है. अपने लोग ऐसे करते हैं पहले ये निकाल लेते हैं कि ये कितनी देर में टकरा जाएगा. बिल्कुल सही बात है ठीक है और फिर हमें ये बर्ड की स्पीड दे रखी है. बिल्कुल सही है तो बर्ड की स्पीड और उससे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टकरा जाएगा. तो जैसे मान लो अगर ये इधर चल रहा है किससे 37.5 किलोमीटर पर आवर से और ये ट्रेन जो आ रही है ये भी 37.5 किलोमीटर पर आवर से आ गई तो इनका रिलेटिव लिख लेते हैं अपने लोग. बिल्कुल सर तो जो बी रिलेटिव अपने लोग लिखेंगे वो कितना हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा इसको 37.5 प्लस 37.5 ये मैंने सर डायरेक्ट लिख दिया. बिल्कुल सर ठीक है तो 75 आ गया. तो ये आ गया हमने हमारे पास 75 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर. अब सर यहाँ पर ना एक मैं कंसेप्ट बच्चों का दूर करना चाहूंगा मतलब एक मिसकंसेप्ट बच्चे पकड़ लेते हैं. वो बोलते हैं कि व्हेन द पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन द रिलेटिव वेलोसिटीज आर एडेड. बहुत गलत स्टेटमेंट है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो कभी एड नहीं होती. एड नहीं होती रिलेटिव वेलोसिटी तो हमेशा v1 माइनस v2 ही रहती है. जैसे इसमें मैं बात करूं ना तो v1 अपना 37.5 बाइक है और v2 है मेरा माइनस 37.5 इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ये वाला डाटा आ जाएगा 75 बाइक है. यदि इसमें स्टेटमेंट ऐसा होता कि व्हेन द पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देयर रिलेटिव देयर स्पीड्स आर एडेड. ये स्टेटमेंट गलत है. स्पीड के लिए सही होता हां स्पीड के लिए सही है लेकिन वेलोसिटी के लिए गलत. रिलेटिव वेलोसिटी कभी भी ऐड नहीं होगी. चलो ठीक सर आगे कंटिन्यू करो आप इस बात को. तो आगे अपने लोग अब इसका टाइम लिख लेते हैं अपने लोग. डिस्टेंस है दोनों के बीच में 90 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 90 तो अभी इसको 90 और ये कितना हो जाएगा 75 ये टाइम आ गया हमारे पास. बिल्कुल सर अब डिस्टेंस अगर हमें लिखनी है तो डिस्टेंस हो जाएगा जो स्पीड है इसकी बर्ड की 60 × 6/5 ये 90/75 जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 से ये 4 हो जाएगा 5 और ये कट के आएगा हमारे पास ये 18 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 18 हो गया ये हो गया 72 तो आंसर अपना आ गया थर्ड. मतलब एक सिंपल सा कांसेप्ट है. आप ये देखो कि कितने टाइम में दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को मीट करेंगी और उतने टाइम में बर्ड की वेलोसिटी क्या. बर्ड की वेलोसिटी हमेशा 60 है भाई. वो तो क्या है एक सिंपल सी बात है ना अपन नहीं खेलते घर में थापा. वो थापा वाला खेल खेल रहे हैं एक ट्रेन के पास गया थापा दूसरी के पास गया थापा ये कंटिन्यूअसली यही वाला सीक्वेंस उसका चल रहा है. तो इस सीक्वेंस में उसकी वेलोसिटी हमेशा 60 रखनी है मतलब स्पीड उसकी हमेशा 60 रखनी है. टर्न होगा तो भी वो टाइम टर्न का जो है द टाइम इज नेग्लिजिबल कुछ नहीं बोला है ना दैट मीन्स द टाइम इज नेग्लिजिबल. तो हमने टाइम निकाला कितने टाइम में कोलाइड हुए बर्ड की वेलोसिटी से स्पीड से मल्टीप्लाई किया बर्ड की ट्रेवल डिस्टेंस आ गई सीरीज बनाने की रिक्वायरमेंट दी गई है. पढ़ाएं सर आगे बात को. हाँ सर चलो सर तो आगे बढ़ते हैं. अगला जो अपना है क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बोल रहा है दैट अ बैलून एसेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 122.5/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ हाफ मिनट ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम इट फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द बॉडी रीचेस द ग्राउंड. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि एक बैलून है वो अपन अगले पेज पर करें इसको बैलून की एक्सीलरेशन की वैल्यू देख लेते हैं बस. इसको बैलून का एक्सीलरेशन दे रखा है ये दे रखा है अपने लोगों को 122.5/8 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन का जो मोशन है इनिशियल टाइम जो दे रखा है वो हाफ मिनट दे रखा है बोले तो 30 सेकेंड. अब सर ये बोल रहा है कि बैलून पहले यहां से यहां गया जब ये यहां से यहां गया तो हाफ मिनट में इसके पास वेलोसिटी कितनी आई. तो पहले तो अपने को इसका एक्सीलरेशन जो थोड़ा सा सजा कर लिखना पड़ेगा तो 122 × 8 + 5 / 8 हो जाएगा. बोलो सर सही है ठीक है. तो डाटा अपने पास जो आ रहा है दैट डाटा इज कमिंग इज 6 7 9
प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 8, मतलब ये वाला डाटा मेरे पास आ रहा है 981 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसको मीटर में कन्वर्ट, यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डाटा अपने पास आ जाएगा 9.81 बाई 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इस एक्सीलरेशन से बैलून जो है वो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आई? इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आपने बैलून से पार्टिकल को छोड़ा है तो जो बैलून की वेलोसिटी होगी होगी वही पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई एक्सीलरेशन इनटू टाइम, दैट इज 9.81 बाय 8 इनटू में टाइम, कितना टाइम है अपने पास 30 सेकंड। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, अभी अपन ऐसे ही रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे, एक साथ सोल्व कर लेंगे सारा डाटा। तो इनिशियल वेलोसिटी को जनरली अपन इससे लिखते हैं यू से, और इनिशियल जो हाइट है पार्टिकल की दैट इज हाफ 80 स्क्वायर से निकाल लूं सर। हां सर, ये बैलून एसेंड हो रहा है तो एसेंड हो रहा है तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये आ गया हाफ इनटू में 9.81 बाय 8 इनटू में टाइम, कितना टाइम 30 सेकंड नहीं सर 30 × 30, मैं इनिशियल हाइट की बात कर रहा हूं। अच्छा हां, इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट के लिए। तो इनिशियली पार्टिकल यहां पर u वेलोसिटी से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, तो मैं कहूं भाई वापस जब वो आएगा मतलब उसे ग्राउंड पे हिट करवाना है, तो अब तो बैलून से छोड़ने के बाद तो बैलून कहां गया जाने दो, उससे मतलब नहीं है हमारा जो क्वेश्चन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया अभी। तो हम इसमें वही सिंपल वाला कांसेप्ट y - y नॉट = टू ui * t - 1/2 gt² लगा दे सर, ठीक है। तो g की वैल्यू क्या चूज करना चाह रहा है? तो g तो इसमें आई थिंक 9.81 लेने से आंसर आएगा सर, 9.81 बहुत जगह मैच हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये डाटा तो जब वो ग्राउंड पर हिट करेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जीरो, ये वाला डाटा -1/2 9.81 into 30 ui कितना है? ui अपने आप लोग ये ये रहा 9.81/8 into 30 into time t माइनस में हाफ, ये भी 9.81 ही होता है वैसे तो 9.81, और हमें ये टाइम टी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 9.81 जो है सर ये तो मैं सबसे साधक प्राप्त कर गया। ये वाला डाटा मेरे पास आ गया माइनस में 900 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल्स टू 30 टी डिवाइड बाय 8 प्लस में टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आई थिंक अब तो एक माइनस आएगा सर, सॉरी माइनस इस वाले प्लेस पर अपने पास माइनस माइनस। I think अब तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आप ये सॉल्व करके आगे तो निकाल ही सकते हैं। I think इसका जो आंसर आ रहा है वो सर 15 सेकंड आएगा, 15 सेकंड फर्स्ट वाला जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर आएगा 15। चलो सर बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इन इफ ए मोटर वो ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर in time t1 8 hours and t2 12 hours, then the find out the time taken by boat traveling this distance in still water। तो सर ये पहले तो जब इसकी फ्लो की डायरेक्शन में बोट चल रही है बिल्कुल तो चल रहा है कि टाइम कितना ले रहा है ये 8, और जब उसके अपोजिट चल रहा है तो ले रहा है 12। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है सर, हाँ ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार बहुत सारी जगह मिलेगा ये। हाँ तो आप लोग ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लो ये डिस्टेंस ऐसा है हमारे पास, तो जब बोट की स्पीड मान लेते हैं अपन लोग बीवी और रिवर की जो मान लेते हैं वो बीआर मान लेते हैं, जब दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो टाइम लग रहा है कितना 8। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा बीवी, सिंपल सा वही फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बीवी प्लस बीआर इक्वल टू डिस्टेंस कितना एस टाइम t1 मान लेते हैं, इसको t1 मान लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, अब दूसरी में बोल रहा है ये अपोजिट चलेगा, अपोजिट तो अपोजिट चलेगा, बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि बीआर माइनस बीवी रखना है या बीवी माइनस बीआर रखना है, तो यहाँ पे का जो बोट जो अगर वापस आ गया स्पीड जो बोट की होगी वो ज्यादा होगी बिल्कुल, ठीक है। तो इसको अपन लोग लिखेंगे बीवी माइनस बीआर एज अपॉन t2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा क्या है कि स्थिर जल में बोटर की मतलब हमें बोट की जो चाल है वो बीवी निकालनी है, मतलब हमें एक्चुअली देखा जाए तो एस अपॉन वीबी कैलकुलेट करना है, एस अपॉन वीबी कैलकुलेट करना है, बिल्कुल इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बिल्कुल सर। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा टू वीबी इक्वल टू एस कॉमन ले लेते हैं 1/t1 + 1/t2 बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो जो टी हमें निकालना है एस अपॉन वीबी
बी वी, तो ये बनेगा टू टू टी वन टी टू टू अपॉन टी वन प्लस टी टू टी टू, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। बिल्कुल सर, तो ये बनेगा टू एट ट्वेल्व बाई ट्वेंटी कर दो ट्वेंटी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपने लोग, ये 9.6 आ रहा है सर, 9.6 आ जाएगा, तो 9.6 जो है वो फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ना सर, कई बार एस्केलेटर को लेकर भी पूछा जाता है। हाँ, बहुत सिंपल सेम कंसेप्ट है दोनों में, एस्केलेटर को लेकर भी पूछे चाहे रिवर को लेकर भी पूछे, सेम तरीके से दोनों में ही अपने को सॉल्यूशन करना है। ये एक्सेलेटर वाला सर क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल सर, उसमें बोल रहा था कि लड़की जो एक्सेलेटर पे है, पहले वो एक्सेलेटर जब चलता है तो इतना टाइम लगता है, जब वो रिवर्स में आती है तो इतने टाइम में नीचे आ जाती है। चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात को। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, 16 हो गया ना सर, 17 में कह रहा था, द मैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर ऑफ 500 लीटर वाइड, the rowing speed of the man relative to the water is 3 km per hour and the river flows at a speed of 2 km per hour. If the man's walking speed on the shore is 5 km per hour, then in which direction should he start rowing in order to reach the directly opposite point on the other bank in shortest time? ये ना सर बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें मतलब स्टूडेंट जो है ना, मतलब जैसे इसका ऑप्शन दिया नहीं है, अदरवाइज स्टूडेंट सीधा सीधा इसको साइन इनवर्स 2/3 वाले कांसेप्ट से कर देते हैं। बताइए सर एक बार इसको, जैसे बच्चों को बता दीजिए। इस क्वेश्चन को पूछने के जो तरीके होते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें जो एंगल लेना चाह रहा हूं, जो डायरेक्शन लेना चाह रहा हूं, वो एक्चुअली इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करवाइए। ठीक है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से रिवर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो जैसे मान लो वीबी इधर है मेरे पास और वीआर इधर है, ठीक है सर, ठीक है, यदि मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंचाना होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं ये चाहता हूं कि पार्टिकल इधर जाए, मतलब वीबी कोस थीटा इधर रहे, इधर वीबी साइन थीटा आए, और मेरा जो साइन थीटा है वो वीआर अपॉन वीबी के इक्वल आ जाए, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम का ये होता है केवल रिवर, मतलब वो शोर पर कैसे चल रहा है, मतलब किनारे पर कैसे चल रहा है उसकी बात नहीं करते, तो फिर शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अपने को रखना होता है सब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मैं चाहता हूं कि इसकी वेलोसिटी केवल इसी डायरेक्शन में रहे, मतलब ये परपेंडिकुलर चले, परपेंडिकुलर चले। लेकिन अब इन्होंने ये बोला है कि ये शोर पर भी किनारे पर भी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर से मूविंग है, तो सर ये जो क्वेश्चन है, अब मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में तो पहुंचाना है, मतलब यदि वो गया तो कुछ इधर पहुंचेगा फिर वापस इधर उसको लेकर आना, तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं सर, मान लो कि परपेंडिकुलर से मैंने इसको किसी एक एंगल थीटा पर भेज दिया सर, ठीक है, ये मेरे पास हो गया, ये हमें दे रखा है वीबी, कितना दे रखा है 3 वीबी आर होता वैसे ही, हाँ ये 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर, और नदी का जो दे रखा है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो 3 किलोमीटर, वो 3 साइन थीटा आई कैप प्लस 3, अच्छा अपन इसको आई मान ले, इसको जे मान ले, हाँ। तो मैं आई और जे उल्टे लिख गया, 3 साइन थीटा आई कैप प्लस 3 कॉस थीटा जी कैप, जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ बोट ये भी मेरे को डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसके पास ये आ गया 3 साइन थीटा आई कैप, ये होता है वीबी माइनस वीआर, वीबी माइनस वीआर, तो वीआर को तो अपन इधर ले, तो वीआर दे रखा है इधर इस डायरेक्शन में, 2 आई कैप, 2 आई कैप, तो ये हो गया 2 आई कैप प्लस में 3 कोस थीटा जे कैप, जे कैप, तो ये अपने पास डाटा आ गया सर 3 साइन थीटा प्लस में 2 आई कैप प्लस में 3 कॉस थीटा जे कैप, सही है सर, ठीक है, अच्छा इसमें आपने ये कंपोनेंट इसको बना लिया, मतलब वेक्टर फॉर्म में ले गया, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में ले गया, तो अब मेरे को क्या करना है कि ये 3 किलोमीटर पर आवर है, इस डायरेक्शन में जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है तो इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर, हाँ, ये दे रखा है, तो पार्टिकल को जो टाइम लगा, टाइम हो जाएगा ये T1 जो लगा, T1 वो लगा 1/2 डिवाइडेड बाई 3 कॉस थीटा, क्योंकि मैं सारे डाटा किलोमीटर में ले रहा हूं सर, अच्छा आपने वो 500 को कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर, क्योंकि अब एक डाटा तो मैं किलोमीटर में पुट करूं और एक डाटा मीटर में पुट करूं तो वो भी गलत बात है, आंसर ही नहीं आएगा सर,
तो ये डाटा है 1/6 को सर यहाँ पे लिख लेते हैं अपने लोग जैसे, तो ये जो हमारे पास है ये 500 मीटर था, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 1/2 किलोमीटर। आप ठीक है, अब आगे यदि अपन बात करें टाइम T2 जो है कि पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा तो उसको एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट इसको मिला है वो होगा टाइम इनटू वेलोसिटी, एक्स वेलोसिटी ये रहा, थ्री साइन ये रहा, तो 3 sin θ + 2 / 6 cos θ। तो अब पार्टिकल वापस, मतलब कंसेप्ट ये है सर कि यहां से यहां पहुंचा फिर वापस यहां से यहां आ रहा है, तो यहां से यहां आने में उसको जो टाइम t2 लग रहा है वो लगेगा x/5, क्योंकि पैदल चल रहा है, पैदल की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर। तो टोटल टाइम जो मेरे पास आया वो आ गया पार्टिकल का t1 + t2। तो t1 तो ये रहा अपने पास 1/6 cos θ, और t2 ये रहा अपने पास 3 sin θ, 3 sin θ + 2 / 30 cos θ। अब टाइम चाहिए मिनिमम, मिनिमम तो इसको मतलब एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के इक्वल पुट करो तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपना कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कांसेप्ट लगाना है, मैक्सिमम मिनिमम वाला कांसेप्ट लगाना ही पड़ेगा सर। तो ये क्वेश्चन इससे आगे अपन बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं सर। हाँ सर, कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे तो बच्चे कर सकते हैं। मतलब टी को थीटा के रेस्पेक्ट में, हमें टी को थीटा के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएट। तो इसका आंसर जो आएगा, आंसर आएगा अपना सेकंड आएगा sin inverse 3/7। बिल्कुल, मैंने सोल्व करके देखा है, आंसर आ जाएगा। अपना मेन मुद्दा कंसेप्ट डील करने का है, कंसेप्ट बात पकड़ में अच्छे से आए, थोड़ा तो कैलकुलेटिव पार्ट तो आपको भी करना पड़ेगा ना बेटा, करना भी चाहिए, क्योंकि जितना हम करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, जितना आप करेंगे उससे होगा। गुरु नीति जो अपना मेडिकल और जेई दोनों का है, उसका सबसे बेसिक मतलब कंसेप्ट, हमारा मोटिव यही है कि जब आप चैप्टर रिवाइज करने बैठे ना बेटा, तो आपका कंसेप्ट कुछ ना छूटे। कैलकुलेटिव ऑब्वियसली देखो, कैलकुलेशंस आपको अपनी अच्छी करनी पड़ेंगी तो वो आप कर लेंगे, बट कंसेप्ट जो है वो 100% कवर हो जाए। तो वो वाला जो क्वेश्चन है ना सर, वो रेयरली कहीं मिलेगा, अपनी वर्कशीट में भी है वो क्वेश्चन, अपनी वर्कशीट का ही है बिल्कुल एग्जैक्टली, पर वो बहुत रेयर बुक्स में आपको वो क्वेश्चन मिलता है कि वो एक पॉइंट जो है ना वो छोड़ देते हैं आखिर तक, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये वाले क्वेश्चन बच्चों को मिल जाते हैं, बट सोर पर जाकर वापस आकर शॉर्टेस्ट टाइम कैलकुलेट करने वाला जो क्वेश्चन है बहुत रेयर जगह मिलेगा, अपनी वर्कशीट में दिया हुआ है सर, अपन ने भी उसको डिस्कस किया है। चलो बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, अपना मोटो भी यही है कि मतलब बच्चे का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट बच्चे ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, एन एरोप्लेन कैन फ्लाई विद वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर ये देखो इसमें बोल रखा है ऑस्ट्रेलिया में दे रखा है, तो ये मतलब हमारे पास रिलेटिव स्पीड हो गई, बिल्कुल सर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, विंड हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू, अगर विंड लिखे तो इसका ये हमें मैग्नीट्यूड अभी दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रखा 400 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर एक डेटा हमें मिल गया। एयर इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, मतलब एयर की तो हमें डायरेक्शन भी दे रखी है और उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, बिल्कुल। तो अगर अपने लोग इसे बना लें साउथ से नॉर्थ, तो ये बी एयर अगर मैं लिख लूं तो ये आप वेक्टर लिख सकते हो 50 j, डायरेक्शन इधर किधर है, बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब ये बोला इफ पायलट वांट्स टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई व्हिच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ ये डायरेक्शन में हमें दे रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो हमारे पास यहां होगी, मतलब 45 डिग्री में, बिल्कुल सर 45 पे। और ये जो हमें दे रहा है, मेन आता बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है कि ये है क्या, ठीक है। तो ये जो हम देखेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात होगी, ये वेलोसिटी मतलब प्लेन को ग्राउंड फ्रेम में इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो ये जो हमें दे रखा है ये बीपी वेक्टर, मतलब यही बात है ना सर, समझ में नहीं आती, और इसी वजह से ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन लगता है बच्चों को, बट ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो सर तो मतलब ये जो हमें अब ग्राउंड रिस्पेक्ट बात करें तो हमें बीपी वेक्टर होगा ये सिंपल, बिल्कुल। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये बीपी वेक्टर हो गया, ठीक है सर। अब इसमें हमें बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में हमें चलना है, और ये हमें क्या दे रखा है, रिलेटिव स्पीड दे रखी है, बिल्कुल, ठीक है। अगर जैसे मान लो अगर अपने प्लेन पे कोई पैसेंजर बैठा है तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अगर इधर पहुंचना है, इसको वापस बना लेते हैं, वापस बना लेते हैं, रीड्रॉ करना ही पड़ेगा इसको, बड़ा करके इसको बना लेते हैं, जूम करके दिखाते हैं बच्चों को। तो ये तो बाई पॉइंट हो गया, ये एक्स हो गया, और ये हमें बी विंड दे रखा था। अब
पर इसको जो पहुंचना है इस डायरेक्शन में पहुंचना है, और विंड चलेगी ऐसे तो उसको मतलब मान लो इस डायरेक्शन किसी एंगल पे प्लेन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन जैसे इसको लिखना चाहे ना सर, तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ प्लेन को मैं ये लिख सकता हूं दैट इट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। हां रिलेटिव स्पीड से लिख सकते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो तो आपने देखा कि ये वाला है डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो है वो आपको चाहिए इधर, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो है इधर, तो ये वाली जो डायरेक्शन है दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। विंड बोलो सही है। सही है। अब इसमें सर ये तो एंगल हमारे पास कितना हो गया, बिल्कुल 45 हो गया, 45 हो गया, मतलब अब इस अगर मैं ये एंगल निकाल लूं अल्फा, तो अपन अपना ये वाला एंगल जो है ये 45 माइनस अल्फा, 45 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देखे ना सर तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में कितने एंगल पर, मतलब एंगल कैलकुलेट करना है मेरे को 45 माइनस में अल्फा, तो इसको अपने लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब अपने लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, अपने लोग इसमें साइन लॉ लगा सकते हैं, साइन लॉ लगा सकते हैं सर, साइन लॉ लगाएंगे तो ये एंगल है तो इसके सामने ये आ जाएगा, बिल्कुल, और इसके सामने ये VPW आ जाएगा, VPW आ जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं अपने लोग, VPW है 400, तो पहले इसको लिख देते हैं VPW, VPW डिवाइड बाय साइन 45, साइन 45 आ जाएगा इक्वल टू VW डिवाइड बाय साइन। अब इसमें क्या है सर, अपन ने एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो वैसे मिसिंग है, वैसे होनी चाहिए। हाँ, कि यहाँ से जब आप वैल्यू देखोगे ना, तो देखो ये वाली वैल्यू है 400, ये वाली वैल्यू है 1/√2, दिस वैल्यू इज 50 एंड दिस वैल्यू साइन अल्फा, तो आपका साइन अल्फा जो है ना सर वो 1/8√2 आ रहा है, 1/8√2, तो ऐसी वैल्यू बच्चों को पता नहीं होती है, ये सर ऐसे बस मोस्टली एग्जाम में दे रखी होती है, ये वैल्यू एग्जाम में आएगी बेटा इस टाइप की है ना, ठीक है हमने नहीं दिए पर इस टाइप की वैल्यू जो है वो एग्जाम में आएगी, ये जो एंगल है ना ये 5 point something आता है, मतलब 5 point कुछ डाटा आता है इसका, एग्जैक्टली बात करें तो 5.54 के आसपास का कुछ डाटा आता है, तो हमसे जो अप्रोक्सीमेटेड एंगल पूछा है हमें निकालना है 45 माइनस अल्फा, हाँ तो 39 पॉइंट कुछ आता है, उसको 40 अप्रोक्स मान सकते हैं, तो अप्रोक्स में अपन उसको बोल सकते हैं साहब, तो 40 का ये ही ऑप्शन है, 40 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ इस क्वेश्चन में हमारा मेन मोटिव बेटा आपको कैलकुलेशन दर्शाना नहीं था, हमारा मेन मोटिव आपको ये वाला कंसेप्ट दर्शाना था, क्योंकि अपना गुरुनीति का कंसेप्ट क्या फंडा यही है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरली बहुत कंफ्यूजन में ले जाते हैं बच्चे, मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, कौन से फ्रेम में सोचना है, भाई एक्स से वाई भेजना है तो आप तो ग्राउंड फ्रेम में भेज दो, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल बनाओ और सीधा सोल्व कर दो, देखो सर कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया है, और इसमें ये डेटा दे रखा होगा बच्चों, इसमें घबराना नहीं है आपको कि मतलब ये वैल्यू आ गई तो ये हम छोड़ दें क्वेश्चन, ये दे रखा होगा क्वेश्चन, तो सर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अपन, दैट अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना तो उसको लगता है कि रेन वर्टिकली फॉल हो रही है, वर्टिकली फॉल हो रही है सर, तो देखो जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन मेरे पास ऐसा आना चाहिए, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की यदि मैं बात करूं तो ये वाला डाटा होता है सर VR माइनस VR माइनस VRM, ठीक है, तो VR जो मेरे पास होगा दैट वैल्यू विल बी VM प्लस मैं लिख दूं क्या, हाँ VR, तो सर VM तो मेरे पास इधर है और ये हमें दे रखा है, ये अपने पास आ गया VR, क्योंकि ये दोनों एक ट्राइंगल की कंटिन्यूस साइड है और ये वाली जो होगी ये क्लोजिंग साइड होगी, तो ये VR इधर VR और इधर अपने पास VR आ गया, बोलो सर सही बात है, ठीक है सर, अच्छा तो ये कह रहा है पहले केस में तो कि वो पहला केस जो है ये हमें VM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो मेरे पास माइनस VY इंटू J, भाई इसके पास VR के दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, तो मैंने कहा VR के दो कंपोनेंट एक तो VX है और एक VY है, तो VY नेगेटिव में ही होगा, ठीक है, तो बारिश तो नीचे आ रही, बिल्कुल बारिश तो नीचे आ रही, तो VR की वैल्यू मेरे पास आ गई, इधर इसको ले आया VM माइनस में, ये वाला डाटा है सर सॉरी VY J कैप है, ये वाला डाटा मेरे पास माइनस में VY J कैप, VY J कैप आ गई, तो VM कितना है, तो VM हमें दे रखा है 8 किलोमीटर पर, VR जो मेरे पास आया वो आ गया 8i कैप, 8i कैप माइनस VY J कैप, अब मेरे पास जो मिसिंग चीज है ना सर वो केवल एक है, VY की मिसिंग है, VY मिसिंग है, इसके लिए दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें, इसके लिए दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जब वो चाल 12 किलोमीटर पर आवर कर लेता है तो बूंदों को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर पाता है, ठीक है, ठीक है सर, तो अब इससे डेटा बना लेंगे अपना,
अपने एक डेटा बना लेंगे। तो उसको जो अब रेन फील हो रही है, वापस से यदि अपन बात करें जैसे वीआरएम की बात करें, तो वीआरएम को मैं लिख सकता हूं सर वीआर वीआर माइनस वीएम माइनस वीएम। तो देखो सर वीआर तो मेरा इधर ही था, माइनस वीएम की बात कर रहा है मतलब माइनस वीएम जो है इधर आएगा, वो मेरा इधर आएगा, डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो वीआरएम मेरा इधर आएगा। और वो इस कंडीशन में ये पा रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना सर ये 30 डिग्री है, ये 30। अच्छा अब इस ट्राइंगल में बात करूं तो पिछले वाले केस से ये डाटा तो मेरे पास जो है 8 है, 8 है हाँ। तो ये वाला जो डाटा मेरे पास बच रहा है सर, ये वाला डाटा बच रहा है कितना 4। और ये वाली जो वैल्यू है इस ट्राइंगल में, यदि वीआर की कंपोनेंट डालता हूं भाई, इधर से इस वाले ट्राइंगल से यदि मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास वीवाई हो जाएगा, वीवाई होगा। वीवाई की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है 4√3, मतलब आपने 10 थीटा लगा दिया, 10 थीटा लगा दिया, सिंपल सा। इस ट्राइंगल में 10 थीटा लगाया, इधर वाले से कहा ये तो वीवाई है और इधर वाले से कहा ये तो 4√3 है, इसका मतलब आपका वीवाई आ गया कितना 4√3, और आपका वीआर जो आया अब वो 8i कैप माइनस 4√3j कैप, 4√3j हो जाएगा। अब वो तो बात कर रहा है सर किसकी, इसमें मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वीआर तो हो गया अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, मतलब ये डाटा आएगा अंडर रूट में 112, ये आ जाएगा अपना। इसको मैं लिख सकता हूं 112 को 16 × 7, ठीक है, 16 को बाहर भेजा अंडर रूट से, तो 4√7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर, आंसर इसका हो जाएगा अपना फर्स्ट आ जाएगा। मतलब मैंने एक सिंपल सा कांसेप्ट लगाया सर, ट्रायंगल लो बनाया, ट्रायंगल बना के देखा कि पहले केस में तो वीआरएम बना के देखा, वीआरएम वर्टिकल डाउनवर्ड दिखना चाहिए, वीएम इधर है तो वीआर इधर दिखेगा, तो मेरे पास मतलब डायरेक्शन आ गई कि वीआर कैसा दिख रहा है। फिर मैंने दूसरे केस को लगा के वापस से उस ट्राइंगल को बनाया जिससे मेरे पास वीआर का ये कंपोनेंट वीवाई आ गया, इधर वाले से ये वीवाई की वैल्यू 4√3 आ गई, 4√3 आ गई। अच्छा सर मतलब ये है जो ऐसे रिलेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर बच्चे को वेक्टर की अच्छी नॉलेज है, बिल्कुल सर यदि वेक्टर आता ना तो ये क्वेश्चन रिलेटिव के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे बच्चे, जबकि रिलेटिव को बहुत टफ मानते हैं, टफ मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये बोला टू पार्टिकल ए एंड बी लोकेटेड एट 0,0 एंड 4,4 रेस्पेक्टिवली स्टार्टिंग मूविंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी बीए माइनस बीए इक्वल टू माइनस 4i और बीबी इक्वल टू माइनस 4j। तो सर इसमें देखो दो पार्टिकल हमें दे रखे हैं, ए और बी, ए और बी दे रखा है, इनकी पोजीशन दे रखी है बिल्कुल, और इनकी वेलोसिटी दे रखी है और ये इसकी दे रखी है, तो हम इसमें पहले रिलेटिव से हमें सॉल्व करना है, जहां पे मिनिमम डिस्टेंस देखे तो रिलेटिव सॉल्व करना है बिल्कुल सर। तो अगर अपने लोग इसको ग्राफ बना लें, पहले लिख लेते हैं जो बी ए हमें दे रखा है वो दे रखा है माइनस 4i कैप, माइनस का 4i कैप, और जो बी बी दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 4j कैप, 4j कैप, ठीक है। तो अपने लोग लिख लेते हैं इसे बी ए बी लिख लेते हैं, लिख लो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। तो ये बन जाएगा बी ए माइनस बी बी माइनस बी बी, ठीक है। तो बी ए माइनस बी बी अगर हमने लिखा तो पहले तो इसको ए लिख लेते हैं, ए आएगा 0,0 पे और बी आएगा 4,4 पे, 4,4 पे। तो अब मुझे ये वेक्टर बनाना है, तो ये वेक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4i कैप प्लस 4i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो पहले तो ये हम लोग लिखते हैं यहां से, ये तो डिस्टेंस हमें दे रही है बिल्कुल सर। अब ये हमें जो बनाना है, आई तो है नेगेटिव में और जे है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, और इनके बीच में जो एंगल आएगा वो कितना 45 डिग्री। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये वेक्टर कुछ ऐसे आएगा, ये बी ए बी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये जो बी जो है वो ए को कुछ इस टाइप से मूव करता हुआ, ये देखेगा इस तरीके। तो यदि अपन जैसे इसके ऑप्शंस की बात करें ना सर, तो वो एक तो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, और थर्ड वाला जो द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। यदि इनकी बात करें तो जैसे ये पार्टिकल में बी ए को देखेगा, तो बी ए को जब भी देख रहा होगा ना, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब यदि जैसे वीबीए की बात करें, वीएबी की बात करें, तो ये वीएबी बन रहा था और ये जो है सर, ये है सर एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, बोलो सही है, क्योंकि ये 45 है और इधर वाला भी 45 है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसी टाइम तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली है, तो उसके बाद डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा इंक्रीज कर रही हो रही, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली है और ये डिस्टेंस जो अपने पास आ रही है वो आ रही है सर 4√2। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सर, shortest distance between them is 4√2 meter, first option correct है, first option सही है। second में बोल रहा है the shortest distance between them first decreases then increases,
ये तो गलत हो गया, गलत हो गया क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले थी t = 0 पर, अब वो हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजिंग फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है सर। फोर्थ वाले में कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, 4√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड, जबकि इन्होंने बता रखा है कि ये 4 मीटर पर सेकंड, तो ये चौथा तो गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, चौथा फर्स्ट और थर्ड जो है, और थर्ड और ये सेकंड भी गलत है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट हो सकता, तो इसका आंसर हो गया अपना फर्स्ट और थर्ड। ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन वन डायमेंशनल मोशन एंड रिलेटिव मोशन। हमने चैप्टर में 100% आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की और ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की है जो मोस्टली कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रेन वाले प्रॉब्लम्स हो गए, रिवर वाले में हमने एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डील करने की कोशिश की है। होप यू विल लाइक द वीडियो, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो CLC सीकर के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें बेटा, ताकि जो भी वीडियोज आए आपके गुरुनीति JEE से रिलेटेड उनके अपडेट आपके पास आते रहे। ठीक है डियर, गुड बाय।